हाँ, तो क्या होगा, देखो ट्रेन काफी फास्ट, कितनी स्पीड से रन करती है, ऊपर वाली की तो वियर टियर हो ही रही है, लेकिन खुद सोचो वो सिर्फ लोड यहाँ तक तो सीमित रहेगा नहीं ना, ऊपर वाले तक, नीचे तो ट्रांसफर होगा ही। तो जब उल्टा करके इसको लगाने की कोशिश करी तो देखा कि इतना लोड लगने पर यहाँ पे क्या होगी, कोरेगुलेशन, मतलब इतना लोड लगा कि ये वाला जो सरफेस था ना वो इतना स्मूथ नहीं रहा, उसके अंदर ऑलरेडी क्या है थोड़ी वियर टियर हो रखी थी। ये देख रहे हो, ये ट्रैक पे ये पटरी लगी हुई है, मान लो ये रेल है, ठीक है, इस ये जो ये दिख रहा है ये चीज, ये जो ये वाला पार्ट होता है ना इसको चेयर बोलते हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं लगाया जाता है, चेयर होती है, और ये यहाँ पे ये ऑरेंज ऑरेंज से, ये ब्राउन ब्राउन से ये जो दिख रहा है इसको की बोलते हैं। आगे जब तुम फिक्सचर और फास्टनिंग स्टडी करोगे ना तो ये उसमें पार्ट आएगा, तो अभी इसकी इमेज देख लो, बाद में पिक्चर इतनी क्लियर तुम्हें उसमें भी नहीं दिखेगी, बुक्स में भी नहीं दिखेगी, तो यहाँ पे बेटर ऑप्शन है, तुम्हें ये इमेज देखने को मिल रही है, नहीं तो फिर वहां पे डेफिनेशन रटोगे क्या होता है। यहाँ पे रेल को फिक्स, ये देख रहे हो ये रेल है, ये रेल है, रेल को फिक्स किसके साथ किया हुआ है, चेयर, चेयर जैसे हमारे बैठने के लिए चेयर को यूज करते हैं ना, तो रेल को जिसके ऊपर रखा जाता है, जिसमें रेल को फिक्स किया जाता है उसको चेयर बोलते हैं, और इसके बीच में ये क्या होती है की, क्या बोलते हैं इसको, की के साथ इसको फिक्स किया जाता है। लेकिन जब बाद में देखा गया, जब ऊपर वाला पोर्शन भी सेम था, नीचे वाला पोर्शन सेम था, ऊपर वाला तो मटेरियल घिस रहा था व्हील के ऊपर चलने की वजह से, लेकिन जो नीचे वाला मटेरियल था उसमें थोड़ा रफ सरफेस आ रहा था, क्योंकि हाई स्पीड से ट्रेन मूव कर रही थी, तो उसकी टेंडेंसी थी कि वो फेल हो रहा था, ठीक है। तो बाद में पता चला कि जो इसकी एडवांटेज थी कि इसको दोबारा यूज किया जा सके, वो इसका क्या बन गया, डिसएडवांटेज हो गया, कि नहीं यूज कर पा सकते उसको, क्योंकि वो ऑलरेडी नीचे से क्या हो चुकी होती थी, रफ हो चुकी होती थी। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, आई डोंट